हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, एक ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के सामने आई है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ सिर्फ NCVAP और रेगुलर के ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं, जिनका एग्ज़ाम मार्च में कंडक्ट होगा, और थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के वो स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था या जिनके एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गए थे NCVAP वालों के। तो NCVAP की जो फर्स्ट सेमेस्टर की जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं, उनका एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज हो चुका है, आउट हो चुका है, आ चुका है। तो अब देखिए, इस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि आपको अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है 15 मार्च तक, यानी कि 15 मार्च तक आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है। मंडे 5:30 बजे तक आपको ये फिल करना ही करना है, ठीक है? तो देखिए, ये जो एग्ज़ाम फॉर्म कहाँ अवेलेबल है, ये एग्ज़ाम फॉर्म इस लिंक पे जाके आप एग्ज़ाम फॉर्म इसका फिल कर सकते हो। अब एग्ज़ाम फॉर्म फिल कैसे करना है वो मैं आपको बताऊं। पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके सिलेक्ट प्रोग्राम पे क्लिक करना है। उसके बाद नेम आईडी कार्ड पे आपके होगा, नेम डालना है। उसके बाद एनरोलमेंट नंबर डालना है, फिर उसके बाद कैप्चा डालना है और सबमिट कर देना। फिर OTP आएगा आपके जीमेल और रजिस्टर्ड मोबाइल ईमेल पर, और उसके बाद फिर आप अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म सबमिट करेंगे। तो जैसा कि इन्होंने बता भी रखा है स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से होगा। पहले पोर्टल पे जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपनी सारी डिटेल्स डालनी है। डिटेल डालने का फिर आपको ये सारा डिटेल डाल दोगे, जो जो कॉलेज में आप पढ़ते हो वो सारी डिटेल NCVAP की जिंदगी में भी स्टूडेंट है उनकी आ जाएगी। उसके बाद ये सारा डाल के आप देख सकते हो, सारा इन्होंने बता रखा है। नेम आईडी कार्ड पे आपके है, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर अपना एंटर करना, OTP आएगा, OTP डालने के बाद उसके बाद हो जाएगा। फिर उसका दोबारा साइनिंग करना है, जो आपका यूजर नेम, जो एनरोलमेंट नंबर, जो एनरोलमेंट नंबर आपका रोल नंबर जो है आपका, वो आपको इसमें डालना है और पासवर्ड डालना है। उसके बाद क्लिक हियर पर क्लिक करना है। बैचलर ऑफ कॉमर्स है तो अगर आपका बैचलर ऑफ कॉमर्स है या BA है, जो भी है। उसके बाद आपका जो जो सब्जेक्ट आपने ले रखे होंगे वो आ जाएंगे। उसके बाद इस पर क्लिक हियर पर करना है कोर्स पर। उसके बाद आपको जो जो सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किए होंगे, जो सब्जेक्ट के आप एग्ज़ाम देना चाहते हो वो आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? उसके बाद आप नीचे आएंगे, ये सारे सिलेक्ट करने का, फिर आपको डायरेक्ट सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद एक पेमेंट की विंडो खुलेगी, उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि ये फाइनल सबमिशन है, इसके बाद आप सबमिट नहीं कर सकते, ठीक है? उसके बाद आप नीचे जाएंगे और फिर जो आपका एग्ज़ाम फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। और क्लिक हियर पे करने के बाद जो आपका एग्ज़ाम फॉर्म है वो सबमिट कर दिया जाएगा। कुल मिला के ये सारे स्टेप आपको फॉलो करने हैं, और फिर एक पेमेंट आपको भरनी पड़ेगी। पेमेंट जो रहेगी आपकी 510 रुपये की पेमेंट आपकी रहेगी, EGPay से आप कर सकते हो। उसके बाद अपनी डिटेल्स आप देख लोगे, पेमेंट की स्लिप आ जाएगी, और उसके बाद डायरेक्ट ही आपका एग्ज़ाम फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा 510 रुपये की पेमेंट के साथ। तो फर्स्ट सेमेस्टर की जितनी भी NCVAP की स्टूडेंट है, और थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की जितनी भी NCVAP की स्टूडेंट है जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ था, वो अपना एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट कर दे। आपके मार्च में एग्ज़ाम है, और कोई अपडेट होगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू सो मच।